हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश की सेकंड बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका सिक्स्थ चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का बनना है ना, अर्थात एक वैज्ञानिक कैसे बनता है, क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, कितना उसे परिश्रम करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का उसके इस कार्य में योगदान होता है ना, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। कितना डिटर्मिनेशन चाहिए, कितना हार्ड वर्क चाहिए है ना, कितनी सारी चीज़ें वो एक व्यक्ति को एक वैज्ञानिक बनने के लिए, या यूं कहें कि एक बड़ा आदमी बनने के लिए है ना, एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो समाज के लिए कुछ योगदान दे के जाए है ना, कितना बड़ा परिश्रम उसे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा लेसन है, मेक द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये एक रिचर्ड एब्राइट हैं है ना, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ये एक तरह से बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी जिनको बोलते हैं है ना, और कोशिका के बारे में इन्होंने काफ़ी बड़ी खोज की थी, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में है ना, मात्र 22 वर्ष की उम्र में, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, ये पहले स्काउट ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। स्काउटिंग होती है ना, स्काउट गाइड होते हैं स्कूल के अंदर है ना, जो स्वयंसेवक होते हैं, तो अपने स्कूल के अंदर ये स्काउट ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने वैज्ञानिक संसार में तहलका मचा दिया विद ए न्यू थ्योरी, एक नए थ्योरी के साथ, एक नए सिद्धांत देकर। कौन सा सिद्धांत? ऑन हाउ सेल वर्क्स, सेल्स वर्क, कि किस प्रकार से जो कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं। रिचर्ड एच एब्राइट, क्या नाम है इनका? रिचर्ड एच एब्राइट, तो हम इनको रिचर्ड बोलेंगे अब आगे से। रिचर्ड एंड हिज कलीग एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड और उनके कॉलेज के रूममेट, जो उनके जैसे होता है ना, शेयर करते हैं रूम, एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल, उन्होंने इस सिद्धांत को कि कोशिकाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, इस सिद्धांत को के बारे में एक आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल किस में छपा? द इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, है ना, ये एक बहुत बड़ी मैगजीन है ना, जिसमें लेख छपना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो देखो, तभी ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़े अक्षर है ना ये, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड, ये पहला मौका था कि किसी इतनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो जर्नल है उसने, पत्रिका ने छापा हो द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के विद्यार्थियों का लिखा हुआ लेख इन स्पोर्ट्स। अब इसकी तुलना बताई गई है कि इसको हम यूँ मान सकते हैं कि जैसे खेल में, स्पोर्ट्स में, दैट वुड बी लाइक, वो इस प्रकार से होगा जैसे कि मेकिंग द बिग लीग्स, किसी बड़े उसमें लीग में प्रवेश पा जाना है ना, जैसे अपने लीग, जैसे लीग का ऐसे समझ लो, जैसे ये है ना इंडिया, ये डेयर डेविल्स है ना, और पता नहीं कौन कौन सी क्रिकेट की टीम्स हैं, ठीक है ना, राजस्थान रॉयल्स है ना, किंग्स, पता नहीं मुझे याद नहीं है ना, तो इस तरह से ऐसे ही बहुत फुटबॉल के, और उनके बड़े बड़े लीग्स होते हैं, बड़ी बड़ी टीम होती हैं, उनमें स्थान प्राप्त कर लेना एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में ही, एंड हिटिंग ए होम रन, और ये होम रन एक बेसबॉल गेम होता है, उसमें होम रन होता है, आप ऐसे मान लो क्रिकेट में छक्का मार देना एक तरह से, योर फर्स्ट टाइम एट बैट, जैसे कि माना पहली बार ही आपने बैट उठाया और पहली बार में आपने छक्का मार दिया हो, है ना, तो इस प्रकार की उनकी ये उपलब्धि थी। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, रिचर्ड एब्राइट के लिए ये जो उपलब्धि थी उनकी एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला थी, बाद में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, उनमें एक शुरुआत की ये कड़ी थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कुछ किससे शुरू हुआ? बटरफ्लाइज के द्वारा, है ना। अब देखो, देखने में तो बड़ी छोटी सी चीज है यार, कि बटरफ्लाइज से कैसे हो सकता है, तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एन ओनली चाइल्ड, वो देखो बच्चों, इसमें एक बहुत बड़ा एक जो है ना सीखने की बात मिली है इसमें, इनकी मदर का रोल है ना, तो जो कहते हैं बेटा माँ का रोल जो होता है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी इस लेसन को पढ़ रहे हैं है ना, अभी 10th क्लास में हो आप
है ना, 2 साल ट्वेल्थ करोगे, फिर कॉलेज में जाओगे, फिर 2-4 साल और करोगे, फिर उसके बाद तुम्हारी शादी जाएगी, तो इन लड़कियां जो हैं वो माँ के रोल में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि उन्हें इन चीज़ों को ध्यान से सुन समझना है कि जब उनके बच्चे हों तो उस समय वो किस प्रकार से उनके विकास में अपना योगदान दे सकती हैं। एन ओनली चाइल्ड, ये अकेले बच्चे थे, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। आप देखो रीडिंग का आर बड़ा है, तो ये वो रीडिंग पढ़ाई वाला रीडिंग नहीं है, ये एक जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया कहाँ है? अमेरिका के अंदर एक स्टेट है ना। तो पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में इनकी ये बड़े हुए। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर। अब ये खुद कह रहे हैं कि वहां पे कुछ ज्यादा नहीं था मेरे लिए करने के लिए, वहां पर मेरे लिए करने के लिए कुछ चीज ज्यादा नहीं थी। ही सेड, इन्होंने कहा, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन, है ना, क्योंकि मैं ना तो फुटबॉल खेल सकता था ना बेसबॉल खेल सकता था, क्योंकि मैं अकेला था। बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन एक चीज थी, कलेक्ट थिंग्स, चीजें इकट्ठा कर सकना, क्योंकि वो काम तो अकेला कर सकता है। सो ही डिड, यही उन्होंने किया। एंड डिड ही एवर, और यही वो करते रहे। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, केजी से लेके, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज, एब्राइट ने बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी ही दृढ़ इच्छा के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, जो कि उनकी हर एक्टिविटी में झलकती थी। तो ये जो डिटर्मिनेशन था वो उनकी हर एक्टिविटी में झलकता था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने रॉक्स इकट्ठे किए, चट्टानें, विभिन्न प्रकार के पत्थरों के टुकड़े, फॉसिल्स, जीवाश्म एंड कॉइन्स और सिक्के, ये उनकी तरह तरह की चीजें इकट्ठे करते थे वो। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू। अब देखो कितनी सारी इनके अंदर वो हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, देखो मजा आएगा आपको, है ना, कि एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। वो एक बहुत उत्सुक खगोल शास्त्री बन गए। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो रात्रि रात्रि भर तारों को निहारते रहते थे छत पर। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। पहली बात तो ये थी कि उनके अंदर एक बड़ी विलक्षण लालसा थी, है ना, एक गहन लालसा थी किसी चीज को सीखने की, तीव्र इच्छा, अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, और उनका तीव्र मस्तिष्क तो था ही। ही ऑल्सो हैड ए मदर। अब आ गया ना, देख लो, उनके पास एक ऐसी माँ थी हु एनकरेज, जिन्होंने उसे एनकरेज किया, हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनके इंटरेस्ट को किस में? लर्निंग के अंदर, सीख, है ना, सीखने में, हर चीज को सीखना। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी, यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, उनके उसके लिए, रिचर्ड के लिए टेलीस्कोप लाके देती थी, माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, विभिन्न प्रकार के माउंटिंग मटेरियल, उनको फिट करने का स्टैंड वगैरह, एंड अदर इक्विपमेंट, और अन्य ही प्रकार के इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम मैनी अदर वेज, और अनेक 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 प्रकार से उनकी हेल्प करती थी, इनकी जो मदर थी वो। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा कि जब तक उनका स्कूल शुरू नहीं हुआ रिचर्ड का, तब तक मैं अकेली उनकी कंपेनियन थी, साथी थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं उसके लिए उसके मित्रों को ले आती थी घर पर। अब देखो कितनी मतलब खुले विचारों की महिला हैं ये, फ्रेंड्स को ही घर पर बुला लेती थी उससे। बट एट नाइट, लेकिन वो बताती हैं कि रात्रि में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम चीज़ें साथ साथ करते थे। रिची वाज माई होल लाइफ, रिची मेरी पूरा जीवन था एक तरह से, रिची उसको शॉर्ट में बोलती थी, वो निक नेम था उनका। आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में थे तो उनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। सी एंड हर सन, वो और उनका बेटा, स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग हर शाम बिताते थे एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम की टेबल पर। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ देती थी, उनकी माँ कह रही है। नॉट फिजिकल वर्क, ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए कोई शारीरिक काम ढूंढती हूँ, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन चीज़ों को सीखना, यानी मैं ऐसी एक्टिविटीज उसको देती थी जिससे उसे कुछ ना कुछ उसमें सीख मिले। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने बताया, ही लाइक इट, वो बता रही है कि रिची उसे पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उन्होंने सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, है ना, स्कूल में रिची जो है ना हमेशा टॉप ग्रेड्स लेके आता था।
ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, अन्य मामलों में तो वो जैसे अन्य बच्चे होते हैं वैसा ही था, सामान्य था, लेकिन पढ़ने के मामले में वो टॉप ग्रेड से लेके आता था, उनकी माँ ने बताया। By the time he was in second grade, जब वो दूसरी ग्रेड में पहुंच गए, दूसरी क्लास में पहुंच गए, Everett had collected, Everett ने इकट्ठी कर ली all 25 species of butterflies, सारी की सारी 2500 प्रजातियां बटरफ्लाईज की, तितलियों की, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो कि उनके कस्बे के आसपास पाई जाती थी, 2500 के 2500 उन्होंने इकट्ठी कर ली। सी फॉलोइंग बॉक्स, इस देखो इसमें 25 प्रजातियां इस टेबल के अंदर दे रखी हैं, ये हमें इनको रटने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू मेमोराइज। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड, अब एवराइट कह रहे हैं कि हो सकता है मेरा यहीं पर जो ये बटरफ्लाईज को कलेक्ट करने का जो इंटरेस्ट था शायद ये यहीं पे ही खत्म हो जाता है ना, उससे पहले ही क्या हो गया, बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक, लेकिन उसी समय मेरी माँ मेरे लिए एक बच्चों की किताब लेके आई जिसका क्या नाम था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, तो इसको मोनार्च नहीं बोलेंगे, मोनार्च च नहीं बोलते, इसको क बोलते हैं, है ना, मोनार्क। वो बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, मोनार्क एक्स की यात्राएं। तो ये मोनार्क क्या है, तितली है, तितली का प्रकार है ये। दैट बुक, वो है पुस्तक, व्हेन टोल्ड व्हिच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, जिस पुस्तक में ये बताया गया था कि किस प्रकार से जो मोनार्क बटरफ्लाईज होती हैं वो सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट कर जाती हैं, माइग्रेट का मतलब पलायन कर जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, जैसे कि आपको पता है राजस्थान के अंदर एक भरतपुर जगह है जहाँ पर केवला देव नेशनल पार्क है, वहाँ पर साइबेरिया है ना, कहाँ देखो बेटा साइबेरिया, रूस से भी ऊपर है ना, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना, गर्मियों में बर्फ़ जमी रहती है, तो सर्दियों में तो सोचो तुम क्या हालत होती होगी, तो सर्दियों के मौसम में वहाँ से है ना कितने हजारों किलोमीटर दूर से जो पक्षी हैं वो भरतपुर में आते हैं, और जब गर्मी आ जाती है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मौसम हल्का सा नॉर्मल हो जाता है तो वापस से वहाँ चले जाते हैं, तो देखो हजारों किलोमीटर की यात्रा वो पूरा करते हैं, इसलिए उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, है ना। तो इसी प्रकार ये जो तितलियाँ थीं ये माइग्रेट करती थीं, कहाँ पहुँच जाती थीं, यानी वो रहते थे रीडिंग में रहते थे, वहाँ से मध्य अमेरिका तक चली जाती थीं। इस पुस्तक ने ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, इस पुस्तक ने उस उत्सुक यंग कलेक्टर, यंग मतलब छोटी उम्र वाले, उस इकट्ठी करने वाले, सामग्री इकट्ठा करने वाले उस बच्चे के लिए सामने एक बड़ा संसार खोल के रख दिया। At the end of the book, book जब book के last में ना अंत में readers were invited, जो पाठक थे उनको आमंत्रित किया गया था to help study butterfly migrations, कि वो भी butterfly के migrations को जानने में है ना उनके बारे में study करने में help करें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart, अब देखो ये यू आर आर साइलेंट है इसमें, तो इसको युक वाई वो यू के एच ए आर टी यूकहार्ट बोलेंगे हम इसको, है ना। तो उस पुस्तक के अंत में दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई, उसमें ये कहा गया था कि आप बटरफ्लाईज को टैग करिए, है ना, टैग करने का मतलब है जो उनकी तितलियों की जो पंख होती हैं उनके ऊपर स्टिकर लगा के, है ना, स्टिकर लगा दो जिससे कि जहाँ भी वो जाएगी उड़ के तो वहाँ पे उस स्टिकर से उसको पहचाना जा सकता है कि भाई ये यहाँ से आई है, उस स्थान का नाम लिख दो जहाँ पे वो टैग लगाया गया है। तो जो पाठक थे, रीडर्स थे, उनको ये कहा गया था किसके द्वारा, डॉक्टर ये एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ए यूकहार्ट, और कहाँ के थे वो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, अमेरिका का एक वो है स्टेट है कनाडा, उसके अंदर टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो। एवराइट्स मदर रोड टू डॉक्टर यूकहार्ट, अब देखो एवराइट की माँ ने डॉक्टर यूकहार्ट को पत्र लिखा, अब देखो माँ कितनी एक्टिव हैं वो, एंड सून एवराइट वाज अटैचिंग लाइट अडहेसिव टैग्स, और जल्दी ही जो एवराइट थे है ना वो बच्चा अटैच करने लग गया, चिपकाने लग गया हल्के, है ना, क्योंकि देखो ज़्यादा भारी होगा तो उसको उसकी पंखों पे वजन पड़ेगा, लाइट अडहेसिव टैग्स, अडहेसिव मतलब चिपकने वाले, है ना, टैग्स वही टू द विंग्स ऑफ द मोनार्क्स, है ना, किसकी, जो मोनार्क मछली वो होती हैं तितलियाँ होती हैं उनकी विंग्स के ऊपर,
पंखों के ऊपर. एनी वन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूकार्ट. जिस किसी को वो टैग वाली बटरफ्लाई मिले तो उसको कहा गया था कि भाई आप इसे डॉक्टर यूकार्ट तक पहुंचा दें. तो इससे रिसर्च में क्या मिलेगा, योगदान मिलेगा. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, जो रीडिंग कस्बा था उसके आसपास जो बटरफ्लाईज को कलेक्ट करने का जो सीजन था वो 6 महीने तक की रहता था. लास्ट 6 मंथ्स इन लेट समर, लेट समर में है ना जब समर जाने वाली होती है उस समय. सी ग्राफ बिलो, तो इस ग्राफ में दिखाया गया कि कितनी कितनी जो है ना उन्होंने तितलियां इकट्ठी की थी. देखो ये गुजामर विंग्ड, ये तितलियों के वो हैं है ना ये, तो देखो इन्होंने ये जैसे ये वाली गुजामर विंग्ड कितनी कर ली, 8 इकट्ठी कर ली. ये बुड नेम्स ये वाली कितनी करी, 2 ही करी. ये तो इस तरह से ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है ना. इफ यू आर गोइंग टू सू चेज देम वन बाई वन, अब वो बता रहे हैं है ना एवराइट बता रहे हैं कि अगर तुम उनको एक एक करके उनको पीछा करोगे, उनका उनको पकड़ने की कोशिश करोगे, यू वुड नॉट कैच मैनी, तो तुम ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एवराइट वॉज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए अगला स्टेप एवराइट के लिए ये था कि कैसे भी एक बटरफ्लाइज का झुंड को क्या किया जाए, पाला जाए, उसको बड़ा किया जाए, ठीक है ना. ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, उसने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा. टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, है ना. तो उसने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क पकड़ी, उससे अपने उसके अंडों को अपने घर का बेसमेंट था वहां ले गया और उनको पाला है ना, बड़ा किया उनको पूरे लाइफ साइकिल में है ना. और एग कौन सा लाइफ साइकिल, शुरुआत में एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर लास्ट में वयस्क बटरफ्लाई. देन ही वुड टैग, फिर वो क्या करता था, टैग करता था यूकार्ट बटरफ्लाईज, यूकार्ट नहीं एवराइट है ना, वो जो बच्चा था वो बटरफ्लाईज की विंग्स पर, एंड लेट देम गो, और उन्हें छोड़ देता था. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अनेकों वर्षों तक उनके घर का जो नीचे बेसमेंट था है ना, जो बेसमेंट था उनके घर का, बेसमेंट मतलब नीचे जो होता है भूमिगत जो होता है, वो हजारों मोनार्क बटरफ्लाईज का एक तरह से जन्म स्थल था वो, यानी क्या उनके विकास का वो डिफरेंट स्टेजेस, विभिन्न स्तरों वाले विकास का वो एक तरह से घर था. अब ये एवराइट कह रहे हैं इवेंचुअली अंत में आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा इसमें, खत्म होने लगा इन टैगिंग बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज को टैग करने में मेरा जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा, खत्म होने लगा. इट वॉज टीडियस, ये थोड़ा सा टीडियस था ये काम, एंड देयर वॉज नॉट मच फीडबैक, और इसमें कोई ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था मुझे. एवराइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड, वो हंस के बताते मैं पूरे टाइम यही करता रहता था. ओनली 2 बटरफ्लाई, अब उन्होंने पूरे टाइम यही किया लेकिन हुआ क्या, मात्र 2 बटरफ्लाई जो थी आई हैड टैग्ड, जिनको कि मैंने टैग किया था, वर रिकैप्चर्ड, उन्हें दोबारा से पकड़ा गया. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी कितनी, जहां मैं रहता था उससे मात्र 75 माइल्स की दूरी पर, 75 मील की दूरी तक ही जा पाई वो, है ना. अब कई चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो है ना मर गई हो रास्ते में ही है ना, या उनको पकड़ नहीं पाया गया हो, क्योंकि इतना बड़ा होता है तो तितलियों को ऐसे कैसे, छोटी सी बारीक सी चीज़ को कैसे ढूंढा जा सकता है. और वैसे देखा जाए तो 75 मील एक तितली का जाना ये भी कोई कम बात नहीं है, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. देन इन द 7th ग्रेड, अब 7वीं कक्षा में, 7th ग्रेड में ही गॉट ए हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज, उन्हें थोड़ा सा इशारा मिला कि असली विज्ञान क्या है. वेन ही एंटर्ड, जब उन्होंने हिस्सा लिया एक काउंटी साइंस फेयर, एक साइंस फेयर में जो काउंटी में था, काउंटी का मतलब होता है छोटे लेवल पे, जैसे ऐसे समझो तहसील लेवल, फिर जिला लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, तो छोटे लेवल पर काउंटी का मतलब ऐसे समझ लो आप. एंड लॉस्ट, और वो हार गए वहाँ पे उस फेयर में, उसमें विज्ञान मेले में उन्होंने भाग लिया था. इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर, ये अब वो कह रहे हैं कि एक तरह से बड़ी दुख भरी फीलिंग थी वहाँ पर बैठ जाना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी नहीं जीत पाना. वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जबकि अन्य हर कोई आदमी या हर कोई बच्चा कुछ ना कुछ जीत रहा था, लेकिन एवराइट वहां कुछ भी नहीं जीत पाए. एवराइट सेड हिज एंट्री वाज, अब उन्होंने किया क्या था वहां पे, क्या
हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उन्होंने मेढक के जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी स्लाइड को दिखाया था किसके नीचे, टेलीस्कोप के नीचे, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, है ना, टेलीस्कोप नहीं सॉरी माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के नीचे, बस सूक्ष्मदर्शी के नीचे वो लगा दी, क्या नाम है उसकी, फ्रॉग टिश्यूज लगा दिए, और उस पर जो भी आता उसकी स्टॉल पर उसको कहता कि देखो ये माइक्रोस्कोप में झांक के देखो और ये आपको टिश्यूज दिख जाएंगे, एक तरह से वो एक डिस्प्ले था बस खाली, ठीक है ना। ही रियलाइज द विनर्स, तब उन्हें महसूस हुआ एब्राइट को कि जो विनर्स हैं, जो विजेता हैं, है ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि उन्होंने तो भैया सचमुच के एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की है, नॉट सिंपली मेक एनी डिस्प्ले, बस खाली मेरी तरह उन्होंने कुछ डिस्प्ले नहीं किया है कि बस आओ और इसमें देख के चले जाओ, है ना। तो उन्हें पता चल गया कि भैया असली साइंस आखिर होती क्या है। Already the competitive spirit that drives Richard Everett was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. है ना, पहले से ही जो competitive spirit थी, है ना, जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा की जो भावना थी, जो कि रिचर्ड को ड्राइव करती थी, है ना, उनमें उत्साह जगाती थी, वो प्रकट हो रही थी, है ना। अब वो कह रहे हैं मैं समझ गया कि अगले वर्ष के मेले में मुझे क्या करना है, कि मुझे एक असली एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, उन्होंने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट, और सबसे ज्यादा मैं किसके बारे में जानता था, वो तो इंसेक्ट, इंसेक्ट वर्क, है ना, इंसेक्ट मतलब कीड़ों के बारे में, कीड़े क्या है यहाँ पे, यही वही बटरफ्लाईज, ठीक है ना, इसके बारे में वो सबसे ज्यादा जानते थे। आई हैड बीन डूइंग इट पास्ट सेवल ईयर्स, क्योंकि इस काम को मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा था। सो ही रोड टू डॉक्टर यूकार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए एवराइट ने, रिचर्ड ने डॉक्टर यूकार्ट को पत्र लिखा, है ना, कि भाई कि सर मुझे आप आइडियाज दो, एंड बैक, और वहां से वापस लौट के क्या आया, ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, एक ढेर सारी सजेशंस की लिस्ट उनके पास आ गई, तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। यूकार्ट ने वहां से उनको इतनी सारी चीजें भेज दी। दोज केप्ट एवराइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल, और जो आइडियाज डॉक्टर यूकार्ट ने भेजे थे, उन आइडियाज ने रिचर्ड को उसके हाई स्कूल के जो ईयर्स थे उनमें बिजी रखा, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन द काउंटी एंड द इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और उन्हीं आइडियाज के बल पर उन्हें काउंटी ही नहीं इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी प्राइज मिले। फॉर हिज एट्थ ग्रेड प्रोजेक्ट, आठवीं क्लास में जो उनका प्रोजेक्ट था, Everett tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. है ना? जो आठवीं क्लास के अंदर उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया था, है ना, उसमें ये था कि कारण ढूंढना कि एक वायरल डिजीज होती है जो लगभग हर मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देती है कुछ वर्षों में, यानी कुछ एक वर्षों बाद एक ऐसी वायरल डिजीज होती है जो उनके जो कैटरपिलर होते हैं, है ना, मोनार्क के, मटर मोनार्क बटरफ्लाईज के, उनको मार देता है वो, है ना। जब देखो जैसे ये कोरोना चल रहा है बेटा, ये वायरस डिजीज है ये। एवराइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, एवराइट ने सोचा कि ये जो डिजीज है ये किसी बीटल के द्वारा, क्या ना, बीटल मतलब वो होते हैं ना कीड़े जो होते हैं, किसी कीड़े के द्वारा ये लाई जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, अब उसने क्या किया कि जो जो चीज़ बीमारी लेके आती है ना, उसके साथ ही इनको पाला जाए, उनकी उपस्थिति में ही इनको बड़ा किया जाए। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, अब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई इस चीज़ का असली रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं इसमें आगे बढ़ता रहा, और मैंने दर्द दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने देखो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। देखो बेटा ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुमको चाहे रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन अगर तुमने उस दिशा में कुछ अच्छा किया है, कुछ एक्चुअल में करने की कोशिश की है, तो आपको सफलता मिलती है, लोग पहचानते हैं, हाँ यार भले ही सफलता नहीं मिली लेकिन इसने काम तो किया, है ना, दिस टाइम आई वन, और इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट, अगले इस वर्ष का जो साइंस प्रोजेक्ट था उसमें उन्हें इस थ्योरी को जांचना था कि वायसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप कि ये दो प्रकार की तितलियाँ होती हैं, एक होती है मोनार्क और एक होती है वायसराय। देखो ये मोनार्क है और ये नीचे वाली वायसराय है, ठीक है ना, तो ये जो वायसराय हैं ये इस मोनार्क की कॉपी करती हैं, ये ऐसा माना जाता था, है ना। तो
ये जो है ना, ये वाली क्या करती थी, इसके जैसी बनने की कोशिश करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि कीड़े इसको ज्यादा खाते थे, है ना। तो इस ये जो वायसराय बटरफ्लाई है, इसको कीड़े जो पक्षी जो हैं वो ज़्यादा खाते थे इसको। तो ये इसका जैसा बनने की कोशिश करती, इसको खाते नहीं थे, ये टेस्ट ही नहीं लगती थी। तो इन ये वाली थ्योरी को उन्हें क्या करना था, टेस्ट मतलब करना था, जांचना था कि ये सही है या नहीं है। द थ्योरी वाज दैट, सिद्धांत ये था कि वायसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स, कि ये जो वायसरॉय ये मोनार्क जैसी दिखने की कोशिश करती हैं। बिकॉज क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वो पक्षियों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती खाने में। वायसरॉय ऑन द अदर एंड, जबकि जो वायसरॉय हैं, वायसरॉय बटरफ्लाईज हैं, वो डू टेस्ट गुड, वो बहुत अच्छी लगती हैं बर्ड्स को, है ना। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, अगर इसलिए जितना ज़्यादा वो मोनार्क की जैसा दिखने की कोशिश करेंगी उतनी बच जाएंगी पक्षियों से। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, तो उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि वो पक्षियों का भोजन नहीं बनेंगी। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, जबकि हुआ उल्टा, है ना। जो एवराइट का प्रोजेक्ट था उसमें क्या देखा उन्होंने, इनफैक्ट वास्तव में कि बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, के बर्ड्स जो है वो तो मोनार्क को ही खा रही हैं, ठीक है ना। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि स्टारलिंग, अब ये स्टारलिंग एक पक्षी का नाम है, वर्ड है ये, है ना, बर्ड है ये, वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, कि वो साधारण बर्ड फूड नहीं खाती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, ये उन सब मोनार्क्स को खा जाती थी जितनी की उन मोनार्क उसे मिलती थी। एवराइट सेड लेटर रिसर्च, एवराइट ने बताया कि जो बाद में रिसर्च हुए अन्य लोगों के द्वारा, उन्होंने ये दर्शाया गया था कि जो वायसरॉय हैं वो संभवतया कॉपी करती हैं मोनार्क की। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, ये जो मेरा प्रोजेक्ट था रिचर्ड का, इसे जूलॉजी विभाग में, है ना, पहला स्थान मिला, है ना, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और उस काउंटी साइंस फेयर में इसको तीसरा स्थान मिला, है ना। तो ये अब रियल साइंस की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड एवराइट बिगेन टू रिसर्च दैट, रिचर्ड एवराइट ये खोज करने लगे, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, है ना, जो कि उन्हें उस दिशा में ले गया, एक अज्ञात इंसेक्ट हार्मोन की तरफ, उसकी खोज की तरफ ले गया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और ये इनडायरेक्ट वे में उसे उस दिशा में ले गया जो लाइफ ऑफ सेल्स, जो कोशिकाओं की जो जीवन होता है उसके सिद्धांत के बारे में। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, जिस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की थी वो बहुत आसान था। वॉट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा, है ना। अब ये प्यूपा और कैटरपिलर, ये अपन ने पढ़ा था ना पहले, एग होते हैं, है ना, जो 4 स्टेजेस देखी थी, एग, ठीक है ना, फिर उसके बाद प्यूपा, फिर कैटरपिलर, और फिर बटरफ्लाई बन जाती है। तो जो मोनार्क प्यूपा होता है उसकी विंग्स के ऊपर 12 छोटे छोटे येलो कलर के धब्बे होते हैं, बस इसकी जांच करनी थी उनको। एवरीवन अज्यूम्ड, हर व्यक्ति ये मान के बैठा था कि ये जो स्पॉट्स हैं, ये जो धब्बे हैं या जो निशान हैं, जस्ट ओर्नामेंटल, बस खाली दिखावटी हैं, सजावटी हैं, एवराइट सेड, एवराइट ने बताया। बट डॉक्टर यूकहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर यूकहार्ट थे वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे, है ना। टू फाइंड द आंसर, उत्तर ढूंढने के लिए एवराइट एंड अनदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट, है ना, एवराइट और जो दूसरे विज्ञान विज्ञान के एक्सेलेंट स्टूडेंट थे, फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, है ना, जो उनके पार्टनर थे उन्होंने सबसे पहले एक ऐसी डिवाइस बनाई, एक उपकरण बनाया, दैट शोड, जिसने ये दर्शाया दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, है ना, कि वो जो धब्बे हैं, जो स्पॉट हैं मोनार्क प्यूपा की, जो पंख हैं उनके ऊपर जो बार है, गोल्डन कलर के जो स्पॉट्स हैं ना, धब्बे हैं, निशान हैं छोटे छोटे से, वो कोई वैसे ही नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, हार्मोन पैदा कर रहे हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जो कि बटरफ्लाई के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी साइंस फेयर, है ना, इसने उसे काउंटी में तो पहला स्थान दिलाया, एंड एंट्री इन टू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर,
और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग जो मेला था उसके अंदर उनकी एंट्री हो गई। देयर ही वॉन थर्ड प्राइज फॉर थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां पर उन्होंने जूलॉजी डिवीजन में तीसरा स्थान पाया। ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क, उन्हें काम करने का मौका भी मिला द समर गर्मियों के दौरान एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी, है ना, एंटोमोलॉजी का मतलब जहाँ पे इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, एक उस प्रकार उस लेबोरेटरी के अंदर, कहाँ पर, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये एक अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जो है ना, उसके अंदर रिसर्च करने का उन्हें मौका मिल गया। एज ए हाई स्कूल जूनियर, जब वो हाई स्कूल की जूनियर क्लास में थे, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे ऑन द मोनार्क पीपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस, उस साल उनके प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। एंड गेव हिम अनोदर चांस, और उन्हें दोबारा चांस मिल गया टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, है ना, उस आर्मी लेबोरेटरी के अंदर गर्मियों के दौरान काम करने में। देखो तो बेटा, ये जो आर्मी की लेबोरेटरी होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, आर्मी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और जैसे पता है आपको, एक भारत में है ना DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने वैक्सीन बनाई है। तो आप सोचो, वो ना काम तो क्या है उनका, डिफेंस के लिए रिसर्च करना, लेकिन बना दी वैक्सीन उन्होंने, तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छी मतलब ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं उनके अंदर। तो हमें अपनी आर्मी के ऊपर क्या है, गर्व है। इन हिज सीनियर ईयर, और उनके जो सीनियर ईयर था उनका हाई स्कूल का, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप और आगे चले गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स इन ए कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कि कोई छोटी सी कोशिकाएं ले लेना और फिर उनको बड़ा करना, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसको कल्चर करना बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने सेल्स को ग्रो किया, मोनार्क की विंग्स की सेल्स ले ली और उनको कल्चर के रूप में ग्रो किया। एंड शोड दैट, उन्होंने ये दर्शाया, दिखाया, द सेल्स वुड डिवाइड, कि ये जो कोशिकाओं में विभाजन होता है, ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं एंड डेवलप और विकसित होती हैं इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, है ना, नॉर्मल जो सामान्य जो बटरफ्लाई की जो पंख होते हैं उनके रूप में। ओनली इफ, केवल तब, देवर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, है ना, तभी विकसित कर सकती हैं वो विंग्स, विकास कर सकती हैं जब उन्हें वो जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हार्मोन उनको मिले। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने उन्हें पहला स्थान दिलाया अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजी के उसमें फेयर में, जूलॉजी कैटेगरी में। ही स्पेंड द समर, उन्होंने गर्मियां बिताई आफ्टर ग्रेजुएशन, स्नातक करने के बाद, डूइंग फर्दर वर्क एट आर्मी लेबोरेटरी, आर्मी लेबोरेटरी में और काम करते हुए, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में। तो ये बड़ी कैसी थी, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की लेबोरेटरीज थी। द फॉलोइंग समर, आने वाली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, अब वो यूनिवर्सिटी में चले गए, है ना, तो उनका जो फ्रेशमैन ईयर था, फर्स्ट ईयर जो था उनका, उस समय एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो गर्मियों की जो फर्स्ट ईयर की जो गर्मियों की छुट्टियां आई उनमें वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहां चले गए। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और वो जो उस हार्मोन के ऊपर, है ना, जो उन गोल्ड स्पॉट्स में सीक्रेट होता उस पर उन्होंने और काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ जो जो US एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी थी उसमें बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के उपकरण थे, उनकी सहायता से ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वो उस हार्मोन का रासायनिक संगठन के क्या क्या केमिकल्स हैं, किन किन से बना है, जैसे मैथेन है तो मैथेन में CH4 है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ऐसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे ही वो वहाँ उस बेहतरीन, है ना, और जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे, उत्कृष्ट कोटि के उन उपकरणों की सहायता से उन्होंने उस हार्मोन का, जो बटरफ्लाई की विंग्स के ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स थे उन पे जो हार्मोन था उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका रासायनिक संगठन ढूंढने में वो कामयाब हो गए।
ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, डेढ़ वर्ष बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर में, एवराइट गॉट द आइडिया, एवराइट को ये विचार आया, आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, है ना, कोशिका जीवन के बारे में, अपने नए जो सिद्धांत था उसके बारे में उन्होंने आइडियाज आए. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, है ना. और वो कब आए, वो विचार आइडिया कब आया उनके दिमाग में, जब वो उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सरे से देख रहे थे, है ना. जैसे एक्सरे होता है ना, तो अंदर की चीजें पता चल जाती हैं, इमेज बन जाती है ना एक्सरे की एक, ठीक है ना. व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, जब उन्होंने वो फोटोज देखे, रिचर्ड ने जब वो फोटोज देखे केमिकल स्ट्रक्चर के, एब्राइट डिड नॉट साउट यूरेका, है ना, एब्रॉट एब्राउट, अरे यार, एब्राइट चिल्लाए नहीं यूरेका, और इवन आई हैव गॉट इट, ओ मुझे मिल गया, है ना. जैसे होता है ना कोई बहुत, जैसे ये बेटा यूरेका किसने कहा था, एक आर्किमिडीज थे, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था कि कौन सी चीज तैरती है और कौन सी चीज डूब जाती है. देखा ना, जैसे सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज होता है इतना बड़ा, वो पानी में तैरता रहता है ना. तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, उन्होंने बताया था ये सिद्धांत. तो जब उन्होंने सिद्धांत की खोज करी थी, ठीक है ना, तो वो नहा रहे थे टब के अंदर, और उनको एकदम आइडिया आया, तो वो भाग, नहाते नहाते भाग आए बाहर, यूरेका यूरेका, नहीं मैंने पता कर लिया, मुझे पता चल गया इसका ये सिद्धांत है, इस तरह से. तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन वो उन्हें विश्वास था, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, है ना. बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, है ना. अब देखो बेटा, जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, ठीक है ना. यही डीएनए, देखो आपने पता है, एक छोटी सी कोशिका होती है ना, जैसे माँ की तरफ से अंडा, है ना, आधी कोशिका, पिता की तरफ से जो शुक्र होता है वो भी आधी कोशिका, उनको मिला के एक कोशिका बनती है और फिर हमारा जन्म होता है. तो आप देखो, हम हमारे मम्मी पापा जैसे ही होते हैं, है ना. एक यानी, तो जो सब कुछ लिखा हुआ है वो उस डीएनए में लिखा हुआ है कि ये बाद में जाके ये कोशिका कैसी बनेगी, है ना. तो यानी आदमी आदमी के रूप में बनता है, पशु जो है वो पशु के रूप में बनता है. तो ये सब किसकी वजह से होता है, वो जो डीएनए है उसके अंदर इंफॉर्मेशन छिपी रहती है, ठीक है ना. तो यही इसमें बताने की कोशिश की गई है. बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन वह उन्हें विश्वास था कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, कि जो उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन के बारे में जो जानकारियां हासिल की हैं, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उस फोटोज ने उन्हें उत्तर दे दिया है बायोलॉजी की बड़ी शानदार, है ना, गुत्थी का, है ना, जो एक पजल है, पहेली है उसका, कि किस प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं वो रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए, वो डीएनए का जो नक्शा होता है उसको कैसे पढ़ती हैं, डीएनए की जानकारी को वो कैसे पढ़ती हैं. डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए ही वह पदार्थ है, इन द न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर ऑफ ए सेल, एक कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए ही वह पदार्थ है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि अनुवांशिकता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. इट डिटरमाइंस, यह डिटरमाइन करता है द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, है ना. तो आप देखो, कई बार देखो ना, आप जैसे माँ कि जो है ना, अगर आंखें भूरी हैं तो बच्चे की भी आंखें भूरी होती हैं, तो कौन डिसाइड कर रहा है, डीएनए. पिता के बाल घुंघराले हैं तो बेटा के बाल भी क्या होते हैं, घुंघराले होते हैं. तो ये सब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है ना. तो इसको अनुवांशिकता बोलते हैं. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यही उस कोशिका के आकार और उसके कार्यों को निर्धारित करता है. दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसीलिए डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है. एवराइट एंड हिज कॉलेज, अब देखो इसमें बड़ी प्यारी सी चीज आएगी कि भाई इतने बड़े वैज्ञानिक थे लेकिन वो और कुछ भी करते थे साथ में. एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एवराइट और उनका जो कॉलेज के जो उनके सहपाठी थे, जेम्स आर्वोंग, जेमा सारबोंग नाम था उनका, वर्कड ऑल दैट नाइट, पूरी रात काम किया उन्होंने, पिक्चर्स ड्रॉ करी, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स बनाए उन्होंने ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के, टू शो, दर्शाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे होता है, कि किस तरह से जो डीएनए है वो ब्लूप्रिंट होता है सेल का, है ना, हमारे जीवन का. टुगेदर दे लेटर, दोनों ने साथ साथ उन्होंने एक वो लिखा, रोट द पेपर, उन्होंने एक
ऐसे लिखा, एक पेपर लिखा दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसमें कि इस सिद्धांत को समझाया गया था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, जो लोग उसको जानते थे रिचर्ड को, उन्हें तो आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उनको पता था कि ये तो भाई बचपन से ही क्या है, ब्रिलियंट है। रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि धारण की विद हाईएस्ट ऑनर्स, सबसे बड़े ऑनर्स के साथ, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, है ना, यानी 1510 बच्चों में से सेकेंड पोजिशन पे थे वो। एवराइट वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। अब देखो, पहले तो उन्होंने जूलॉजी पढ़ी, फिर हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया। देखो ये बड़े बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ये खतरनाक मतलब अलग तरह की नेचर होती है इनकी, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ये, जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं। देन ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट दिस थ्योरी, और वहाँ पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके, स्कूल बोलते हैं और जबकि हमारे यहाँ कॉलेज बोलते हैं इसको, है ना, उन्होंने इस अपनी इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी करेक्ट सिद्ध होती थी इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो यह जीवन की पद्धतियों को जांचने के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेप साबित होती। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज, इससे न्यू आइडियाज का जन्म होता, प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, है ना, जो कि विभिन्न प्रकार के कैंसर्स का इलाज करने में उपयोग होता, एंड अदर डिजीजेज। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवराइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये सब कुछ, यानी कहने का मतलब आज जितनी बड़ी बड़ी खोजें हो रही हैं इनमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, है ना, क्योंकि उनकी इस थ्योरी के ऊपर ही ये सारी चीज़ें, कैंसर की दवाइयाँ, है ना, और बहुत सारे जो नए नए आइडियाज हैं वो इस पर विकसित हुए। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑफ ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, है ना। तो देखो ये शुरुआत कहाँ से हुई, वो मोनार्क प्यूपा के जो गोल्डन स्पॉट्स थे उनसे शुरू हुई, और वो कहाँ तक पहुँच गए, वो सेल लाइफ की डिस्कवरी को क्रैक करने तक वो पहुँच गए। रिचर्ड एवराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, अब वो विज्ञान में कब से उनमें आकर्षण जग गया, जब वो क्या कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाईज को कलेक्ट करते थे, बट नॉट सो डीपली, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा डूब नहीं गए, दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि उनके पास अन्य इंटरेस्ट के लिए टाइम ही नहीं हो। एवराइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर, अब बताया गया कि वो और क्या क्या थे, एक चैंपियन डिबेटर थे, डिबेटर का मतलब वाद विवाद करने वाला, एंड पब्लिक स्पीकर, है ना, पब्लिक मतलब जनता के सामने बोलने वाले, एंड ए गुड कैनोइस्ट, और मतलब नदी के अंदर नाव चलाने वाले, शानदार तरीके से नाव चलाते थे, एंड ऑल राउंडर आउट स्पोर्ट आउटडोर पर्सन, और विभिन्न प्रकार के, है ना, गेम्स खेलने वाले, आउटडोर गेम्स खेलने वाले, लोगों के साथ मुलाकात करने वाले, यानी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे। He is also an expert photographer. ये लो, expert photographer भी थे वो, particularly in nature and scientific exhibits. विशेष रूप से उनकी फोटोग्राफी किससे संबंधित थी, प्रकृति से, और जो विज्ञान की चीजें हैं, है ना, विज्ञान की जो प्रदर्शनियां हैं उनसे संबंधित। In high school, Richard Everett was a straight A student. अपने हाई स्कूल के दौरान वो A ग्रेड मिलती थी उन्हें, because learning was easy. क्योंकि उनके लिए लर्निंग तो बाएं हाथ का खेल था। He turned a lot his energy towards the debating. अब क्योंकि उनको शानदार दिमाग था, तो अब उन्होंने को डिबेट करने के लिए अपनी जो है ना थोड़ा सा टाइम निकालना शुरू कर दिया। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और उन्होंने ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब भी ज्वाइन कर लिया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, अब वहाँ पे उनको एक विशेष व्यक्ति मिले जिनकी वो प्रशंसा करते थे, रिचर्ड ए वियरर, जिनका क्या नाम था, रिचर्ड ए वियरर नाम था। ही सोशल स्टडीज टीचर, वो उनके सोशल साइंस के टीचर थे, वो मिल गए उनको वहाँ, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और वो इन दोनों क्लब्स के एडवाइजर भी थे, ठीक है ना, डिबेटिंग क्लब के भी और ये जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब था इसके भी। मिस्टर वियरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी, अब ये रिचर्ड बोल रहे हैं कि मिस्टर वियरर मेरे लिए शानदार परफेक्ट व्यक्ति थे मेरे लिए। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, उन्होंने मेरे मन मस्तिष्क में नए नए आइडियाज के द्वार खोल दिए। रिचर्ड विल ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सेड, मिस्टर वियरर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे हर चीज में, है ना, कुछ एक्स्ट्रा करते थे। व्हाट प्लीज्ड मी वाज, अब वो वियरर बता रहे हैं उनके सोशल स्टडी टीचर, कि जो सबसे ज्यादा चीज मुझे खुश करती थी
रिचर्ड के बारे में वो ये थी, हेयर वाज दिस पर्सन, कि ये एक ऐसा व्यक्ति था हु पुट हिज 3 to 4 hours एट नाइट ड्यूरिंग डूइंग डिबेट रिसर्च, कि वो 3-4 घंटे डिबेट रिसर्च पे लगाते थे, है ना, वाद विवाद के ऊपर लगाते थे, डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट, है ना, और दिन में अपना जो अन रिसर्च का कार्य था उसको करते थे और जो बटरफ्लाइज के बारे में जो खोज थी उनको करते थे, लेकिन रात में 3-4 घंटे काम इस काम के लिए भी वो देते थे। देखो कितनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी ये थे। तो बेटा जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ही मतलब अपने आप को सकारात्मक कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रखते हैं। रिचर्ड वार कॉम्पिटेटिव, मिस्टर वियरर कंटिन्यूड, मिस्टर वियरर बताते हैं और आगे बताते हैं कि वो बड़े कॉम्पिटेटिव थे, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन वो बैड सेंस में कॉम्पिटेटिव नहीं थे, है ना, प्रतियोगी थे, वो प्रतियोगिता करते थे लेकिन बैड सेंस में नहीं करते थे। रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग ए गो गेट ए प्राइज, यानी वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं करते थे काम, या सिर्फ प्राइज जीतने के लिए ही वो रिचर्ड इस तरह की खोजें नहीं करते थे, रादर बल्कि ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। अब वो बता रहे हैं कि वो इसलिए जीतते थे कि वो हर काम में अपना बेस्ट देना चाहते थे फॉर द राइट रीजंस, और वो भी कैसे, अच्छे कामों के लिए, ही वांट्स टू बी द बेस्ट, और वो बेस्ट बनना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स, अब ये बता रहे हैं कि यही वो चीज है, है ना, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, इंग्रेडिएंट्स, यही वो सामग्री है इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जिससे कि वैज्ञानिक बनते हैं। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, है ना, शुरुआत किससे होती है, फर्स्ट रेट माइंड, है ना, शानदार बुद्धि, एड क्यूरियोसिटी, उसमें क्या जोड़ दो, उत्सुकता जोड़ दो, एंड मिक्स विद द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और उसमें क्या मिक्स कर दो, सही कामों के लिए जीतने की इच्छा, है ना। एब्राइट हैड दीज क्वालिटीज, एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज थी, फ्रॉम द टाइम द बुक, जब उन्होंने वो बुक पढ़ी थी, कौन सी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो उनकी मम्मी ने दी थी उन्हें, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उन्होंने, उस पुस्तक ने उनके लिए विज्ञान का एक दरवाजा उनके सामने खोल दिया था। रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और इस तरह से रिचर्ड एब्राइट ने पूरी जिंदगी अपनी ये जो वैज्ञानिक उत्सुकता थी इसको नहीं खोया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आए होंगे, बेटा लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए, ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।